नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फुटबॉल एम टीवी ब्लॉग में। मिशो महेंद्र पटवाल स्वागत है आपका एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड में। मेयर गौच डांग पट्टी पटोल सिंह पोस्ट ऑफिस कलजी खाल और जिला पौड़ीगढ़ वालों को और आज शाम गया लैंड से डॉन जाना सवेर में निकल के जाऊँ 7 बजे करीब और ठंडा में आज बुरा हाल जैके चल रहा है। अभी पहुँचे से रात पौड़ी आई थोड़ा बहुत भूख भी लग गया चाहे दिन में खेचे मन लेकिन घरों खाण घरों क्यों होटलों क्यों होंगे तो एक बाद अभी घर में पहुँचे हम तो कह दी हूँ शाम जम्मू का ताजमणि जम्मू की थिचोड़ी भात और रोटी तो चलो फिर आज सिखा उतना मूल थिचोड़ी वहाँ तो बड़े आराम मिले ब्लॉग में और देख सकते सुनो यो चमूल क्या सुंदर सुंदर छोटा छोटा चमूल है ना और ये निकल दे हम तो एक 1.5 किलो का लगभग जो धुंदा छो और एक बाद कूटता सिलोटो में हर मूला दुई दाख में ना कूटिया सिलोटो में यूज में सिलोट रखू काम चला को नहीं और ये देख सकते क्या मस्त छो ये चीज क्या बढ़िया बनी आई और एकदम से दुई दाख क्या चमकोण छो मूला और ये बहुत हो गया तैयार। अब कह दिन गैस बंद बातें उतारी वाली में साइड हूँ ताकि थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए गैस है सोने बटे और यो पीछे में प्याज एकदम से बारीक केरी काटे वाली और अब छो में कट लूँ लहसुन टमाटर और थोड़ा सा अदरक डाल लूँ और यो जो मूला थींची की बराबर करूँ और इस सामने देख सकते हो गिलास में जन में रखे हैं लहसुन का साबुत पत्ता और धनिया का जो हम आके जलड़ा वगैरह छो तो वहाँ चल रहे में आ रहे हो पानी में डुबाई ताकि 2-4 दिन होड़ चल जाए आराम से और देख सकते हो यहाँ मस्त हेरू बेरू चु हूँ और दोस्तों ये देख सकते हो यो चन ये जमुन को सिल बोटू जो खुना की चॉपर बोल रहे और ये काम कर दो प्याज कटनों को एकदम से बारीक पेस्ट बांध तो पेस्ट भी बन जाते हैं हम और एक देख सकते हो यो चन मेरे यहाँ डाले टमाटर लहसुन और थोड़ा अदरक डाल दूँ और ये कैरियल बंद और देख सकते हो हम टमाटर लहसुन और अदरक और अब यहाँ पर चलन दा और चलाना चाहिए था बहुत ही आसान जब फंस हो लियो और बहुत ही जल्दी पेस्ट तैयार हो जाने ये 4 बार घुमाओ और अच्छी पकड़ेगी और बहुत ही अच्छी चीज बड़ी जय बहुत शानदार चीज बड़ी ज़्यादा बड़ी चेहरी चौथी करने की जरूरत नहीं और भेजा पेस्ट तैयार और देख सकते हो क्या मस्त पेस्ट बन गया है यहाँ पर रख दो साइड में तो ये मेरा काम आसान कह रहा है और देख सकते हो क्या मस्त चटनी बनी आया कि टमाटर लहसुन और अदरक की और यहाँ की ग्रेवी बना अब आसानी हो जाना अब यो चो मूला थी सासी बराबर करूँ अब थोड़ा सा आलन दिखा दूँ मैं जहाँ मैं कि बेसन यूज़ करे जाऊँ तो थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन डाल लो और याद से रखें बेसन और थोड़ा सा बेसन भिगा लूँ मैं वहाँ से क्या हो दो कि थोड़ा सा मूला थी चौड़ी में ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बन जाती आप लोग ये कह सकते हो प्याज टमाटर भुना का बाद है जब मूला डल लिया वहाँ तो इतने भी हल्को से भूनेंगे और जब वहाँ मसाला वगैरह पड़ा ला थोड़ा से पानी पड़ो दो तो एक बाद भी डाल सकते हो बेसन बिगाने की जरूरत नहीं है तो मैं वे नहीं कर दूँ फैल में मूला की थिचोड़े बाण होने लूए की कड़े में डबल स्वाद भी जाऊँ दो ए भी सागो को जो भी हमारा घरे साग छ वहाँ मजा सिर्फ लोखरे की कड़े में आँदू और देख सकते हो लोखरे कड़े में यू हल्को फुल्को जंक लगी जैसे थकड़ों में साफ और फिर चढ़ा दूँ प्याज में और कड़े केरल में साफ अब जगन द गैस और जग गया गैस और अब डलता हूँ हल्को से तेल और डाल मैंने हम तेल अगर अभी तो थोड़ा सा गर्म होने देता और वे का बाद डल रहा है हम जखे का तुड़का जहाँ के मुँह लग डबल स्वाद दे जाना जखे का तुड़का दगड़ हम लोग जो भी घरे साग बढ़ा तो कोशिश करता है कि लोखरे की कड़े में बनाऊंगा
लोकरे कड़े में बने के आयरन है कमी भी दूर हो जाती है, डबल स्वाद हो जाता है कई भी चीजों को। तो ज्यादातर हम दाल भी सब्जी भी हर चीज हम लोकरे की कड़े में बनाता। और ये तेल हो गया गर्म और अब डाल दिया हम जख्यो को तड़का, और एक बार डालता प्याज से। टाइम भी बच गया है, थोड़ा सा मोहल्ला खींच गया ग्रेवी भी काम करना है। अभी हल्को से बनो दिन करेगा, थोड़ा ये पकड़ देख नहीं होंगे, हल्को ब्राउन हो जाओ एकदम से बारीक चॉप करी हूँ जैके पेस्ट बन गया है। और ये तो डल्ला भी आंग तकड़ में प्याज का तकड़ू, प्याज लगभग भुना नहीं हो चुके, थोड़ा देर और भून रही हल्को से। और आज मानी जो मूले की छोड़ी बात और उठे और लहसुन पत्ता बोल सुबेर काम आला क्या का दाल में तुड़का मना का। और देख सकते हो प्याज भुने गया है, और अब डाल दें हम टमाटर पेस्ट जो कि मैं टमाटर पीसी की एकदम से चटनी की जान बढ़ाई हूँ। और देख सकते हो डाल में टमाटर लहसुन और अदरक और पेस्ट यहाँ का डाल, और अब इधर थोड़ा देर पकान दस हूँ। और अब डाल में ना मूला यहाँ और थोड़ा देर इधर भून दूस हमें, और एक बार डाल दें मसाला वगैरह थोड़ा सा बेसन ताकि ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ी हो जावे के होना कि हम आलन बोलता आलन डाल दवे के बाद, और एक बार डाल देना पानी पर हिसाब से जो तो भी पानी छेड़ो चमते। और आज होने मस्त मूला की थिंचोड़ी और तगड़म भात और रोटी। चलो फिर डाल दो मसाला, मसाला आपको फिर हिसाब से डाल सकते चाहूँ। फिलहाल मैं 1.5 चम्मच आन लूँ धनिया, 1 चम्मच और 1.5 चम्मच में डाल दी मिर्च, और आधा चम्मच डाल में ना हल्दी, और 2 चम्मच डाल इनमें ना नमक का। और देख सकते हो यहाँ से चम्मच है, तो ये हिसाब से डालना चाहूँगा अपने हिसाब से, तो आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते चाहूँ। थोड़ा हमको चर्चर बरबर पसंद था, हमें थोड़ा सा मिर्चा एक्स्ट्रा डाल देना। और अब डाल दिया हमें थोड़ा सा पानी ताकि मसाला अच्छा से पक जाए। और अब यहाँ मिला दिन था बढ़िया से, अब थोड़ा देर इतना पकान दो। और अब यहाँ थोड़ा सा कमी रह गया है हल्की से बेसन डने के, तो बेसन में छुआ ली नहीं चाहिए तो वह नहीं छोड़ रहा हूँ यहाँ का दगड़ भेजा लो बढ़िया। तो थोड़ा सा डाल सकते हो वहाँ पर 1.5 चम्मच लगभग, और 1.5 चम्मच की लगभग मैं डाल लिया हूँ, और इधर थोड़ा अच्छे से मिला दे दो ताकि बेटा डंडा डंडा नहीं मैंने। और देख सकते हो कलर है क्या मस्त, और चखिया तुड़का चार चांद लगाना चाहिए हमें। यह आज मूले खिचड़ी होनी तैयार, गैस कर दिया थोड़ा सा फूल आँच में, और यहाँ दे दिया ढक्का थोड़ी देर पकाना चाहिए यहाँ तैयार। उसके बाद पानी बढ़ो लो यहाँ, और एक बाद पानी बढ़े के 5 से 7 मिनट और पको लो यहाँ थे, और मूले खिचड़ी यहाँ मेरी तैयार। और देख सकते हो तो पकड़ बैठ गया, तो यह हमारा नाम फिलहाल ढक्कन ताकि और अच्छे से पक जाए, और बेसन आम पर कमाल कह रहा थी। और देख सकते हो गिरे भी थोड़ी गाढ़ी हुई गई, तो अब टाइम है गया थोड़ा सा पानी डालो को, और एक बार पानी डाल दी कि 5 से 7 मिनट तक पकाना चाहूँ, और थोड़ा सा चेक कर लो कि हमारे मूला पकी चुकी नहीं पके, तो बड़े आराम और दगड़। और लुप्त उठा आज मूले की थिंचोड़ी भात और रोटी को, और ये बड़े आलमिन पानी आम, और अभी हम दर्द भी ढक्कन, और ये कड़े एक नापो को ढक्कन मिली हमें तो छोटो था खुलू और परफेक्ट। थोड़ा देर पकड़ दे दो, एक बार ढक्कन रखे दो, ढक्कन रखे एक पकोल थोड़ा सा,
वहाँ से थोड़ा सा गैस है भी बचत हुई जाले और जल्दी पक जा लो। तो और देख सकते हो मूल इतनी जुड़ गया तैयार, और अब चेक कर दा कि मूला पक गया कि नहीं पके। शॉर्ट कट इच चाक लेंदा अभी थोड़ा कच जो देते पकड़ देंदा 5 मिनट और। मूल एक थिंचुड़ हुई गया तैयार लगभग, और इन आचनी बनी चूने के रूठे, और ये कुछ रुटीन में रुड़े ही। और ये देख सकते हो क्या मस्त रोटीचन बनी, वो भी चूने की। तैयार हुई हमारो मूले की तिंजोड़ी भात और रोटी, अब स्वाद लिंदा सगड़ दोस्तों। तो आज वो ब्लॉग आपने बहुत ही पसंद आया बोलो, और ब्याह ब्लॉग भी आपने देखे बोलो कि लेंस डोना टूर दिखा मैंने आप थे जो तो वेसाग में थे वो तक तो मैंने दिखा था आप लोगों से। और वेगा बाद बना मैंने घर में की मूले की तिंजोड़ी भात और रोटी, और मजा से खाई।